मैं रिसेंटली अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पे गया था, एंड गेस व्हाट, वो जगह कौन सी थी? थाईलैंड। ओके, सो आई मीन पटाया सिटी, सिटी तो नहीं है, बीच है कोई? आई थिंक वी आर गोइंग टू कोरल बीच। कोरल, कोरल आइलैंड जा रहे हैं। कोरल आइलैंड, यस, लेट्स सी हाउ इट इज। ओके, सो अभी हम लोग रुके हैं बीच में, कोरल आइलैंड जा रहे हैं, एंड यहाँ पर हमने दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं। हम लोग लिटरली 20 मिनट तक पानी के अंदर रहने वाले हैं। अंडर वाटर सी वॉक है ना, ऐसा कुछ नाम है ना इसका? अंडर वाटर सी वॉक, 25 मिनट्स की वॉक अंडर द सी इन कोरल। ऑलमोस्ट हमारी पूरी टीम जा रही है, मतलब जितने लोग हम आएंगे सब लोग जा रहे हैं, एंड लेट्स सी कहां जाएगा ये। आई थिंक ये है ना कोरल आइलैंड, ये काफी ग्रीन है तो यार। यस, बट हम लोग बाद में जाएंगे कोरल आइलैंड, पहले हम जा रहे हैं अंडर वाटर सी। अंडर वाटर सी वॉक करना है। आर यू एक्साइटेड? यस, वेरी मच। आर यू? या या या। भाई जस्ट अभी पानी से बाहर आया, एंड मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब अंदर में बहुत गंदगी थी, इन्होंने पानी बहुत गंदा कर रखा, ब्रेड दे देगा मछलियों को, लेकिन मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी इतनी पास आ रही थी, एक मछली मेरे को टच भी कर लिया था। मैंने से फुटेज मांगू अगर मिल गई तो ठीक है, मैं पे लगा दूंगा, वरना आप चिल मारना ऐसे। मैं अपने साथ इस ट्रिप पे बहुत सारे फोन ले गया था, लेकिन ये दो फोन ऐसे ना जिनका कैमरा टेस्ट करने में मेरा बहुत मन था। पहला तो ये मोटरोला एज 50 अल्ट्रा, जिसका 50 मेगापिक्सल का पेंटोन वेल रेटेड कैमरा सेटअप काफी प्रैक्टिकल है, मतलब मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है विद OIS, एंड इसका अपर्चर 1.6 मिलता है। इसका अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल का ही है, जो 122 डिग्री तक के वाइड एंगल शॉट्स ले सकते हैं, एंड साथ ही मैक्रो फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं, और एक 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी है। OIS 3x ऑप्टिकल जूम और 100x जूम के साथ बहुत सारे AI फीचर्स भी मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये Xiaomi का 14CV, जिसमें Leica पावर्ड 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इसका भी मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, एंड एक 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो लेंस है। ओके, तो मैं अभी थाईलैंड में हूं, एंड पिछले 4 दिन से हम लोग इस सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड इस बार इस पूरे ट्रिप पे मैं दो फोन्स को लेके आया हूँ। मैं इन दोनों फोन्स को काफी टाइम्स यूज कर रहा हूँ, एंड खासकर इस ट्रिप पे मैंने बहुत सारी कैजुअल फोटोज एंड वीडियोस इन दोनों फोन से क्लिक की है। बट अभी ना हम इन दोनों फोन्स के ही कैमरास को ना अच्छे से टेस्ट करने चलते हैं, मतलब थाईलैंड के स्ट्रीट्स पे सीरियस कैमरा रिव्यू। तो मैं ट्राई करूंगा दोनों ही फोन से कैमरास को अलग अलग सिचुएशन पे अच्छे से टेस्ट करने। तो सबसे पहले मैं इन दोनों के मेन सेंसर से ही फोटो क्लिक कर लेता हूँ 1x मोड से। अब ये सेम फोटो ना इस वाले फोन से भी क्लिक करते हैं एक बार, एंड लेट्स कंपेयर बोथ फोटोज। दोनों में लगभग सेम है, लेकिन मोटो में हाईलाइट्स बहुत सही से मैनेज किया इसने। ये सीट देखो इतनी अच्छी लग रही है, बल्कि एक काम करो मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। तो इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसका पोर्ट्रेट मोड टेस्ट करूँ पूरा ही। आगे आओ थोड़ा सा, बस कैमरा ध्यान देना, चुराने ले हुई। लेट मी ट्राई द पोर्ट्रेट मोड। ये इसकी 35mm फोकल लेंथ, ठीक है। एंड अभी सेम फोटो एक बार इसे लेके देखते हैं, ठीक है, Xiaomi से। पोर्ट्रेट मोड आई थिंक इसमें है 50mm। ओके ओके, इसमें दो ही ऑप्शन है इसमें पोर्ट्रेट मोड के। हमने दोनों ही फोन से पोर्ट्रेट फोटो क्लिक किया है, एंड मुझे क्वालिटी अभी बाद में देखूंगा मैं। लेकिन मोटो में एक चीज का फायदा है कि मोटो में देखो यहाँ पे अलग अलग फोकल लेंथ मिलते हैं। देखो ये देखो 24 इसका वाइड है, 35 इसका आई थिंक 1x वाला कैमरा है, एंड 50mm की फोकल लेंथ है, एंड फिर 85 भी है, एंड 85 वाला ना पेरिस्कोप लेंस है इसके अंदर, तो इसे क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। वेर इन ये जो Xiaomi का 14CV है, इसमें देखो बस 25 एंड 50 ही है पोर्ट्रेट मोड में। तो आई थिंक यहाँ पे मोटो थोड़ा सा बढ़िया काम कर रहा है। मोटो में ना जो 85mm पोर्ट्रेट की लेंथ आती है, इससे कुछ फोटो क्लिक कर देते हैं, एंड लेट्स सी कैसे फोटो आ रहे हैं इससे। तो जैसे मैं देखो आंटी की फोटो क्लिक करते हैं यहाँ पे, चलो ये है 85mm फोकल लेंथ, मतलब क्लिक होने के बाद में प्रोसेस भी करता है फोटोज को, काफी अच्छी डिटेल्स आई हैं इसमें। Xiaomi में ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, बस मैक्स इसमें 50mm के पोर्ट्रेट्स हैं, एंड वो आई थिंक 1x ही है। एंड लेट मी ट्राई समथिंग, अगर मैं 50mm क्लिक कर पाऊँ सेम फोटो। काफी स्लोली खींच रहा है फोटो, फोकस मिस हो जाएगा। ओके ये इसका 1x है, काफी वाइड है 1x, मतलब ये जो फोकल लेंथ जो 1x की है ना, मतलब अराउंड 50mm, इस पर अगर आप ज्यादा ही ब्लर कर दो तो बहुत फेक लगता है, मतलब इस पे वन अपर्चर 1 का दे रखा है इन लोगों ने, तो वो इतना सही मैच नहीं होगा। वेरिन अगर आपकी 85mm फोकल लेंथ, उसमें 1.8 तक भी अच्छा लगता है। 50mm पे ना आई थिंक मैक्स मैक्स हमें रखना चाहिए अपर्चर 2.8 तक, ठीक है। तो मैं 2.8 क्लिक करता हूँ, फोटो खींचते हैं। यस ये थोड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि हमने 2.8 रखा है। 50mm फोकल लेंथ पे 2.8 से ऊपर लगोगे तो उनका फोन बिल्कुल फेक कर देता है। वो यहाँ पे शूट चल रहा है, देखो भाई हम भी पूछ लें इनसे कि आपकी फोटो मैं भी खींच सकता हूँ क्या। हाँ पक्का पक्का पूछ लो। 12 seconds later, you know, rejections होती। ओ ये टेम्पल बहुत अच्छा, देखो अल्ट्रा वाइड क्लिक करते हैं इस टेम्पल की फोटो, उसमें आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ अल्ट्रा वाइड कैमरा कैसा है इनका। इसके बाहर से खींचते हैं फोटो ताकि गेट पूरा दिखे ना। ये एरिया जस्ट मेरे मतलब हमारे होटल के बाहर ही है। ओके तो ये है इसका अल्ट्रा वाइड, क्या मस्त फ्रेम बन रहा है यार, फ्रेम इन फ्रेम टेक्निक यूज कर रहा हूँ यहाँ पे ना, सही लग रहा है, मतलब हाईलाइट को मैनेज कर दिया इसमें काफ़ी अच्छा, यानी फ्रेमिंग फ्रेम से और मतलब डायनेमिक लग रहा है फ्रेम पूरा। सेम फ्रेम देखते हैं इससे भी लेके एक बार,
इसमें तो डायनेमिक रेंज हुई नहीं कुछ इम्प्रूव, मेरे को लगा प्रोसेस करेगा इसको AI से। इसके अंदर AI वाला वो नहीं है क्या अनाउंसमेंट? गलत बात नहीं है ये देखो, इसमें इसके अंदर एक्चुअली नहीं है ये देखो, ये हाईलाइट में ऐसे ही क्लिक हुआ, इसने ऐसे ही दिखा दिया, जबकि इसमें भी ऐसे क्लिक होता पहले, लेकिन फिर इसने AI से उसको अनाउंस किया, मतलब ऐसा लगा था एडिट कर दी पूरी फोटो, हाईलाइट को कम करके शेडो थोड़ी बढ़ा दी। यहाँ पर करते हैं अंकल की फोटो क्लिक करते हैं 85mm पे। ओके यार ये प्रोसेस करता ना फोटोस को, मैंने बहुत तगड़ा यूज़ किया था इसमें AI का। अच्छा मैं ना इन दोनों ही फोन के फोटो सैंपल जो है वो आपको ड्राइव में डाल के यहाँ पे लिंक नीचे वीडियो के नीचे डाल दूंगा, ताकि आप खुद भी चेक कर सको बिना एडिटिंग के, फिर आप खुद देख लेना किसकी फोटो कितनी अच्छी आ रही है एंड आपका स्टाइल कौन सा, क्योंकि हो सकता है कि आपको दूसरी वाली फोटो ज्यादा अच्छी लगे या फिर मोटो की ज्यादा अच्छी लगे और शाओमी बुरी लगे। मेरे को पर्सनली मोटो की अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें कलर बहुत नेचुरल आ रहे हैं एंड प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से कर रहा है। तो अभी मैं अपने होटल की छत पर आ चुका हूँ एंड यहाँ से ना एक बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग दिखती है। मैं पिछले 4 दिन से जब भी बैंकॉक में घूम रहा हूँ ना, ये बिल्डिंग मुझे हर जगह दिख रही है भाई। देखो मैंने बहुत सारी फोटोज क्लिक की एंड ये बेस्ट तरीका यहाँ पे इसका जूम टेस्ट करने का, क्योंकि दोनों फोन में आई थिंक 100x मिलता है। ठीक है तो पहले मोटर से क्लिक करते हैं 100x पे क्या आता है, लेट्स सी। ओके 10x पे बिल्डिंग के आसपास पहुँच गया, ये इसका 100x है एंड एक बार बिल्डिंग का पूरा शॉट लेने की कोशिश करते हैं, आई थिंक कितने एक्स पे जाएगा, ये 70x। ठीक है अब एक बार इससे खींचते हैं फोटो में आते हैं, लेट्स सी इसमें कितना मिलता है। ओ इसमें 20x ही सिर्फ, क्या बात कर रहे हो, काफी शार्प है, इसने प्रोसेस किया है बाद में इमेज को, आई नो इसमें ना यही मार खा रहा है ये शाओमी कि इसमें प्रोसेसिंग नहीं है इमेज की बाद में। कुछ और देखते हैं जूम करके और क्या किया, 4x इसमें होता है ऐसे ऑप्टिकल दिखा रहे हैं, खुद से देखा फिर 4x का, फोटो क्लिक कर लिया लेते हैं बार। लेकिन ठीक है 4 में ठीक आ रही फोटो, लेकिन 4 के बाद जाते हैं ना पता नहीं क्या हो रहा है इसको भाई, तो पूरे जूम करके मर जा रहा है। ओके इसकी मल्टीपल ना फोकल लेंथ ट्राई करते हैं 24 पे क्लिक करते हैं फोटो, सेम विद 35 85 बहुत प्यारी फोटो आती है, मतलब बिल्कुल है करता ये कलर्स। ओके डिस्प्ले की बात करते हैं, ये शाओमी का फोन है, इसकी डिस्प्ले बहुत ही कलरफुल सी है, वाइब्रेंट सी है एंड थोड़ा सा मतलब ऐसे नेचुरल नहीं लगती है, बट मोटो में क्या है ना देखो ज्यादा ब्राइट भी नहीं है, ज्यादा ओवर शार्प भी नहीं है एंड ज्यादा कलरफुल भी नहीं है, सैचुरेशन बहुत परफेक्ट है इसकी। एंड आई थिंक इसके पीछे रीजन ये है ना कि ये जो डिस्प्ले है ये पैंटोन वैलिडेटेड है मोटो की डिस्प्ले एंड बहुत ही स्मूथ फील होती है क्योंकि इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। पैंटोन वैलिडेशन होती क्या मुझे खुद पहले पता था, लेकिन पैंटोन एक बहुत ही बढ़िया से रिसर्च है, मतलब जो अलग अलग कलर्स बनाती है एंड कलर्स को वैलिडेट करती है, मतलब कलर की क्वालिटी कौन सा कलर कितना रिच है उन्होंने इसको वैलिडेट किया, मतलब उनके जरिए ये वेरीफाइड अच्छे कलर्स हैं। ओके अपना कुछ वीडियो ट्राई करते हैं, वीडियो आजकल हम सभी को करते हैं फोन से, मैं सबसे पहले मोटो से कुछ वीडियो क्लिक करता हूँ, सामने व्यू देखो यार, आप पहले इसकी वीडियो कौन नहीं देखेगा, देखो ये मेरा होटल है एंड जस्ट यहाँ पे ये गाड़ियाँ खड़ी, तो चलो इनकी वीडियो कॉल कर लेते हैं 1x 4K 60fps रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है हाई क्वालिटी हाई स्पेक्स इसके, लेट्स सी कैसे आते हैं स्टेबलाइजेशन वगैरह। मैं मूवमेंट कर रहा हूँ बहुत स्मूथली, आई थिंक वीडियो तो अच्छी आई, इसमें जो ब्राबर्स दिख रही है, अगर फिर भी ये वीडियो पसंद आए तो फिर क्या फायदा है ना। लेंस स्विच कैसे होता है मैं देखता हूँ, 1x आई एंड साथ ही मैं 6x पे डिटेल्ड शॉट ले सकता हूँ, गाड़ी का डिटेल शॉट कैसे कर देना। वाइड में भी ये 4K 60fps शूट करता है, मतलब ऑलमोस्ट हर कैमरा से ना 4K 60fps में शूट कर रहा है, फ्रंट से भी आई थिंक कर लेता है 4K में। जिसके फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल है एंड हल्का हल्का मुझे बैकग्राउंड में ब्लर इफेक्ट दिख रहा है, विच इज़ गुड यार। अभी शाओमी का देखते हैं कि ये इसके कैमरा वीडियो में कैसा परफॉर्म करते हैं। ये है 1x एंड 1x में आपको मिलता है 4K 20-30, क्या बात करो 4K 60 नहीं है, अच्छा SDR ऑफ करें फिर शायद मिल जाए। ओके 4K 60 है बिना SDR के प्लान। ये है इसका 1x वीडियो सैंपल 4K एंड इसमें लेंस स्विच करने का ऑप्शन है, लेकिन ऐसे वाला मतलब ऐसे डायल मिलता है पूरा, तो इसमें जो फोकल लेंथ है प्रीसेट बना रखे वो नहीं है इसमें, ठीक है। बट आई थिंक ये 1x को ही जूम कर रहा है, ये ना अलग से दूसरे लेंसेज को यूज नहीं कर रहा, जो आपको मेन सेंसर है उसको ही जूम कर रहा है, ऐसे देखो सेंसर कहीं पे शिफ्ट नहीं हो रहा, देखो कहीं पे भी ऐसे दिख रहा है कि कलर चेंज हो रहे हो या शिफ्ट हो रहे हो, तो देखो 1x को ही ऐसे वीडियो को ही जूम कर ले रहा है, 4K है तो उसको 1080p कर देगा लास्ट में। एंड इसके फ्रंट में देखते हैं फ्रंट वीडियो सैंपल इसका 1080p 4K है, लेकिन 4K 60 नहीं है, 4K 30 फ्रंट से रिकॉर्ड होता है। दिस इज द कैमरा सैंपल ऑफ 4K 30fps फ्रॉम Xiaomi 14CV। अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड ब्लर कर रहा है हल्का हल्का, स्किन थोड़ी सी ऐसे मतलब ब्यूटी स्किन लग रही है, मतलब जैसे वो था ना पिंपल्स वगैरह गायब कर दिए। मोटरोला के इस फोन में कुछ ऐसे AI के फीचर्स भी हैं जो Xiaomi 14 में नहीं मिलते, जैसे AI एक्शन शॉट, मतलब चलते हुए या फिर भागते हुए सब्जेक्ट की मोशन को डिटेक्ट कर लेता है एंड इसकी वजह से फोटो में कभी भी मोशनल ब्लर नहीं आता, क्योंकि इसका AI बहुत स्मार्ट है, ये AI की हेल्प से मोशन को डिटेक्ट कर लेता है एंड ब्लरी इमेज को भी ना एकदम शार्प एंड क्रिस्प बना देता है। ऐसी फोटो iPhone से ले पाना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा AI का फीचर नहीं मिलता। इसमें ना वीडियो में ऑटो फोकस ट्रैकिंग का फीचर भी है, जो मोस्टली कैमराज में ही देखने को मिलता है, मतलब ये सब्जेक्ट को AI से डिटेक्ट करेगा एंड उसको ट्रैक करेगा वीडियो में, ताकि वो हमेशा ही फोकस में रहे। बाकी AI स्टेबलाइजेशन की वजह से मैंने इससे जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड की वो सारी काफी स्टेबल थी।
एक स्मार्ट कनेक्ट का फीचर भी है जिससे मैं अपने फोन को पीसी में कनेक्ट करके यूज कर सकता हूँ। किसी भी फोन की आपको पीसी या लैपटॉप में चला सकता हूँ एंड इवन फोटोज एंड वीडियोस को मैं स्मूथली फोन से पीसी में ट्रांसफर भी कर सकता हूँ वायरलेसली। ओवरऑल कैमरा फीचर्स ना फोटो एंड वीडियो के लिए मुझे मोटो वाले फोन के ज्यादा चले। ये सब फीचर्स का होना ना इन दोनों ही फोन्स में काफी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है और बिल्कुल छोटी छोटी चीजों में ना वो डिफरेंस फील भी होता है। वैसे तो ये दोनों ही फोन्स अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हैं लेकिन AI का यूज करके मोटोरोला ने इस फोन के एक्सपीरियंस को और बेहतर बना दिया। वहीं Xiaomi का ये फोन अभी इस चीज में बहुत पीछे है। इसमें मुझे AI के फीचर्स के नाम पे कुछ नहीं दिखा एंड AI इज द फ्यूचर जिसको मोटो ने बहुत अच्छे से समझा। सो AI की साइड से तो मोटोरोला इज फार बेटर देन दिस Xiaomi 14 CV। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसमें मोटोरोला काफी आगे निकल जाता है इज UI। मोटोरोला ना हमेशा से अपने फोन की UI को काफी क्लीन एंड सिंपल रखता है जो मुझे काफी अच्छा लगता है। मतलब फालतू के कोई एप्स नहीं, कोई एड नहीं एंड बिल्कुल सिंपल क्लीन मिनिमल UI। एंड सिंपल होने की वजह से ना ये फोन रिस्पॉन्सिव भी ज्यादा फील होता है। Xiaomi में हाइपर OS मिलता है जो रिस्पॉन्सिव एंड स्मूथ तो है बट इसमें बहुत सारे फालतू के एप्स एंड ब्लॉटवेयर्स मिलते हैं। अब देखो दोनों ही फोन्स बहुत अच्छे हैं, दोनों के प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं है एंड दोनों के टारगेट ऑडियंस थोड़ी सी अलग है बट मुझे पर्सनली मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसके फोटो सैंपल्स बहुत ही कमाल के हैं एंड एज आई एम डिजाइन फैन इसका डिजाइन भी काफी अच्छा है एंड UI काफी क्लीन है। स्पेशली अगर कंटेंट क्रिएशन या फिर डे टू डे यूज के लिए मैं कोई फोन चूज करूंगा इन दोनों में से तो मैं मोटोरोला एज 50 अल्ट्रा को चूज करूंगा। बाकी आप बताओ कमेंट्स में आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा।